उसे दोबारा खरीद ले। जिसके लिए हबीब खुदा ने ये कहा हो कि अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवा मुझ नबी ने या खुदा ने, हम क्या बयान कर सकते हैं, हम क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हम क्या आगाज कर सकते हैं, हम जानते ही क्या है जो बयान करेंगे। बयान करेगा वो, या खुदा बयान करे या हबीब मुस्तफा बयान करे। अब जहाँ जहाँ कुरान में खुदा ने बयान किया, अली का नाम आया तो पुकार के कहा अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। जब तक नाम अली न आया था सब अधूरा था, सब था मगर अधूरा था। नाम अली आया, रिजा भी आ गई, इकमाल भी आ गया, दीन से कामिल भी हो गया, सब मुकम्मल हो गया एक नाम अली से। अब आप ये बताइए कि भाई सलमान फारसी जब मस्जिद से निकली तो किसी ने पूछा मस्जिद में कोई है, कहा हाँ, का पहचानते हो कौन है, का नहीं पहचानता। झांकने की इनको आदत थी, मस्जिद में झांक के देखा, देखा अली शेरे खुदा बनके, इनको रहा तो जाता नहीं था, दौड़ने की आदत थी, दौड़ के नबी तक पहुंची, या नबी अल्लाह। शिकायत इनकी हमेशा आदत रही, मक्तल में तो मैदान में तो कुछ काम आने से रहे, जबान चलती रहती थी तलवार की तरह, वो भी ईमान के खिलाफ और कुल्ले ईमान के खिलाफ। सलमान को आप कहते हैं मिन्ना अहलल बैत, आप कह रहे हैं मिन्ना अहलल बैत, और सलमान से बड़ा झूठा कोई नहीं है। अहल बैत मिन्ना वाले की शान नहीं है ऐसे। बोला सलमान मैं जानता हूँ आपने क्यों जवाब दिया है, मगर बुजुर्गवार को समझा दो। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवा आपने या खुदा ने, तो मैं कौन हो सकता हूँ जो ये कहूँ मैंने अली को पहचाना है। इन्होंने पूछा था उसको पहचाना है जो मस्जिद में बैठे, मैंने कहा नहीं, मैं झूठ क्या हुआ, सच्ची तो बात। आप कहते हैं इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, मगर हमने तो इस न पहचानने वाले को इसकी विलादत से पहले देखा है। एक मर्तबा सलमान फारसी, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह फैशन हो गई है बाल छोटे रखने,
और बिल्कुल साफ मुंडवा कर सर बिल्कुल क्लीन। ये अब फैशन है बिल्कुल क्लीन सर। उस जमाने में बाल रखने वाले हुआ करते थे, उसमें को क्लीन शेव सर का आता था ना, तो उसको पुराने जमाने में अभी तक थोड़े अरसे तक गुटली मार ही देते थे सर पे। अब हर एक की दास्तान अलग है। सलमान फारसी भी अपने बाल मुंडवा के आए थे बिल्कुल सर साफ, और अरबों में खजूर से बेहतर कोई और फ्रूट भी नहीं। उस तरफ सलमान बैठे हैं, इस तरफ अली बैठे, बीच में खजूर की इतनी सारी प्लेटें पड़ी हैं। अब अमीर मोमिनीन 30 साल के, सलमान फारसी 300 साल, अली खा रहे हैं खजूर और मुड़ के हड्डी जो है सलमान के माथे पर सलमान को लगी, पीछे देखा। अब अली ने मुंह फेर दिया, फिर दोबारा लगी। अब जरा सलमान चौकन्ना हुए, मिस्टेक नहीं हुई है, अब तो कोई जबर जान बूझ के मार रहा है। अब जरा चौकन्ना हुए, अब यूं देख रहे बड़े होशियार। अमीर अल मोमिनीन ने कहा होशियार हो ना होशियार हो, हम होशियार कर देंगे। तीसरी मार दी, हमेशा इतने नंबर मारे जाते हैं भाई, शैतान भी 3 मक्के में मारते हैं तब जाके मुसलमान का हज पूरा होता है। अली ने भी 3 ही गुटलियां मारी हिदायत पे लाने के लिए, आगाही पैदा करने के लिए मारी। सलमान 300 साल के बूढ़े, 30 साल का जवान बेहुरमती करे जाहिर है ना, बुरा लगी। अब तक तो चचा सलमान होता रहा, और आज जो है आए आहिस्ता आहिस्ता चल के, 300 साल का बूढ़ा है, आहिस्ता आहिस्ता चल के आए नबी की खिदमत में। या नबी अल्लाह, मैं अली का बड़ा एहतराम करता हूँ, अली से बहुत मोहब्बत करता हूँ, शिकायत नहीं करता, मगर मेरे दिल को लग गई बात, अली ने आज मेरा एहतराम नहीं किया। मैं 300 साल का, अली 30 साल का, मेरे दिल पे बात लग गई है, अली को अच्छा नहीं किया, शिकायत नहीं। तो मिन्ना हिलन बैठ थे तो वैसी बात करेंगे, शिकायत वाले है वैसी बात करेंगे। रसूलल्लाह भी दोनों पार्टीज को सुनते थे, आओ या अली आप ही जवाब दे दो, अना व अली उम्मिन नूरिम वाहिद। मिजाज नबूवत अली जानते थे, मिजाज अलवी नबी जानते थे। या अली इनको बता दो कौन 300 साल का है कौन 30 साल का है। हाँ भाई या रसूल अल्लाह, क्या केस लेकर रहे, क्या शिकायत सलमान है भाई, क्या शिकायत है। या अली आप देखिए ना, मैं 300 साल का हूँ जी बिल्कुल, आप 30 साल के, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, वो भी पब्लिक के सामने। अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए। दामन से एक गुलदस्ता निकाला, सलमान ले लो। गुलदस्ता सलमान ने देखा, उठ खड़ा हुआ, कहा या अली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों ने कहा सलमान गुलदस्ता देखकर तूने अली के हाथ पैर चूमना शुरू कर दिए, क्या हो गया, अब तक तो शिकायत कर रहा था और क्या हुआ। कहा कि तुम नहीं जानते, मैं अपनी 30 साल की उम्र में जब मैं ईरान से चला था इस आखिरी नबी को ढूंढने के लिए, तब शेर ने मुझे रास्ते में घेरा था, और वहां पर मैंने देखा कि एक जवान घोड़े सवार ने आकर शेर को मुझसे जुदा किया, मुझे शेर से बचाया, तो मेरे हाथ में कुछ न था, मैंने उस बगीचे से एक गुलदस्ता तैयार किया और उस जवान को दिया। ये वही गुलदस्ता है जो अली मुझे वापस दे रहे हैं।
से जो दिल मलूल होते हैं, अली के जिक्र से जो दिल मलूल होते हैं, अदावतों के भी कुछ तो असूल होते हैं। क्या पूछता है हमसे हकीकते हैदर, समंदरों के भी कोई अर्जो तूल होते हैं। जो अपनी विलादत से पहले जिसने मेरी मुश्किल कुशाई की हो, अब मैं छोटा हूँ। नहीं, नादे अलियन तो रसूलल्लाह ने बहुत बाद में पढ़े, कृष्णा ने 2500 साल पहले पढ़ा है, और बुद्धा ने 1500 साल पहले पढ़ा है। अली की विलादत से पहले, और हर एक की मदद अली ने की है, और क्यों ना करता कि ये उस वक्त का पैदा है जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, तब नबी कहते हैं उन तो नबी यन व आदम व बैनल माए वक्ती, और फिर कहा अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, जब से नबी है तब से अली। सामने आदम भी पैदा हुए, हर नबी की मुश्किल कुशाई अली ने की है। इसीलिए सलमान एहतराम अली इसलिए करते थे क्योंकि जानते थे कि इनको हमने पहले ही देख लिया है, पहचान नहीं सके, मगर ये है अली। अब मैं आपकी खिदमत में, वक्त खत्म हो रहा है और चंद जुमले मसाइब के भी आपकी खिदमत में पेश करने हैं, इसलिए मैं बस समेट रहा हूँ। बात सिर्फ एक ये है, जब सलमान 10 दरजे ईमान पर फाइज और अबू ज़र 9 दरजे ईमान पर फाइज, नबी की हदीस, और मिकदार 8 दरजे ईमान पर फाइज, और नबी कहते हैं जितनी मारिफत अली की सलमान के पास है, अगर 9 दरजे वाले अबू ज़र को पता चल जाए तो 9 दरजे वाला अबू ज़र 10 दरजे वाले को काफिर कहेगा। आज जो ये मोमिनों में एक गिरोह काफिर बन जाता है अली की मोहब्बत की वजह से, काफिर नहीं है, ईमान के ग्रेड का फर्क है। लोग मुझसे एक आप सलावत भेजे मोहम्मद वाले, ईमान का फर्क है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ लोग अलम के पैर चूमती है, कुछ लोग जरी में चौखट चूमते हैं, क्या जायज है? मैंने कहा आपकी कितनी मोहब्बत है, जब मासूम बच्चा होता है, जब आपका गुनहगार का मिट्टी का बना मासूम नजासत की इब्तदा का मासूम बच्चा आपकी गोद में आता है, तो कभी आप हाथ चूमते हैं, कभी पैर चूमते हैं। तब कुफर नहीं है अलम का कदम चूमना।